मैगी। मैं कहाँ ओम जाऊंगा, बहुत दूर पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चूड़ामणिकृतविधुर्बलैकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलातांडवपंडितः। नूतनजलधररुचये गोपवधूतिदूकुलचूराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य ओम शांति शांति शांति। महादेव, तो समवाय का हो गया। तो कुछ लोग मानते हैं वैशिष्ट संबंध, नहीं? हाँ, जैसे विशिष्ट बुद्धित्व ना अपने समवाय को सिद्ध किया, नहीं? विशिष्ट बुद्धित्व ने क्या सिद्ध किया? समवाय को सिद्ध किया। इसी प्रकार विशिष्ट बुद्धित्व ना वैशिष्ट की सिद्धि हो जाएगी, कह कि नहीं? कैसा ज्ञान? घटाभावत भूतलम इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि। यहाँ पर संबंध क्या होगा? वैशिष्ट होगा। घटाभाव से विशिष्ट कौन हो गया? भूतल। उसमें क्या संबंध होगा? विशिष्ट में वैशिष्ट संबंध रहेगा, ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने पर सारा दोष दे दिया, ठीक है ना? और वैशिष्ट को नित्य कहोगे कि अनित्य कहोगे, दोनों ओर से दोष हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, और भी हाँ, ये अनंत वैशिष्ट कल्पना ये अनित्य मानने पर होगा, और नित्य मानने पर, नित्य मानने पर वो बुद्धि होने लगेगी, घटाघट बुद्धि होने लगेगी, घट लाने पर भी, है ना? ऐसा में है ना? अच्छा, इसलिए नित्य मानने पर भी दोष और नित्य मानने पर भी दोष। किसको? वैशिष्ट को। हो गया। अच्छा, इसके ऊपर फिर कहा जो वैशिष्ट को मानने पर है ना दोष हुआ, वैशिष्ट को मानने पर दोष हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वैशिष्ट को जब नहीं मानेंगे आप, वैशिष्ट को आप नहीं माना अभाव और भूतल का है, घटाव और भूतल में क्या मानते हैं लोग? वैशिष्ट संबंध मानते हैं, नहीं? तो वैशिष्ट संबंध को न मानने पर घटाभाव और भूतल में क्या संबंध होगा, है ना? ये तो जिज्ञासा होगी, आएगा नहीं सच में? पूर्व पक्षी कहेगा तो पूर्व सिद्धांत क्या मानेगा? स्वरूप है। सिद्धांत क्या मानेगा? स्वरूप। तो स्वरूप मानने पर भी तो हमारे में जैसे दोष हुआ वैशिष्ट मानने पर, वैशिष्ट मानने पर दोष हुआ कि नहीं? हाँ, वैशिष्ट को नित्य मानोगे कि अनित्य मानोगे, दोष हुआ। इसी प्रकार से घटाभाव और भूतल का संबंध को स्वरूप संबंध कहते हो, वह स्वरूप संबंध को मानने पर भी तो दोष होगा। हाँ, नित्य कहोगे कि अनित्य कहोगे, होगा कि नहीं होगा? ऐसा में ये पूर्व पक्ष कहेगा, ठीक है ना? क्या, किसको मानने पर? स्वरूप को। स्वरूप को मानने पर भी दोष होने लगेगा भाई। हाँ, मान लीजिए जिस समय घट नहीं है, क्या जिस समय घट नहीं है, हाँ, घट के अभाव काल में, घट के अभाव काल में, ठीक है ना भाई? हाँ, तो मान लो कि जो है, हाँ, घट को ले आया, जैसे घट शून्य जिसमें घट नहीं है, बुद्धि होती है घटाभावत भूतलम, घट जिस समय नहीं है बुद्धि होती है घटाभावत भूतलम, ठीक है? परंतु जिस समय घट है, मान लो क्या, जिस समय घट है, हाँ, भूतल भी है, हाँ,
भूतल भी है, भूतल हो गया अधिकरण है कि नहीं। घर लाने पर भी उसमें घटाभाव की बुद्धि क्यों नहीं होती, होनी चाहिए क्या? घटाभाव की बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि स्वरूप संबंध तो है ही वहाँ पर, घटाभाव है कि नहीं, और भूतल भी है, और दोनों का स्वरूप भी है। हाँ, प्रतियोगी कहोगे नहीं तो अनुयोगी कहोगे, यही तो स्वरूप होगा क्या? हैं, समझ में कि नहीं? किसका कह रहे हैं घटा भाव का संबंध क्या कहते हैं आप? किसके साथ? भूतल के साथ। तो स्वरूप करने से क्या होगा? स्वरूप संबंध का कोई प्रतियोगी होगा कहीं अनुयोगी होगा, वही तो स्वरूप है। घटा भाव होगा नहीं तो क्या होगा? भूतल होगा, स्वरूप तो ही अग्नि है। इसलिए घटाभाव भी है, भूतल भी है और स्वरूप भी है, क्योंकि घटाभाव को नित्य मानते हो ना। क्या कैसा मैं घर लाने पर भी कह रहे, घर लाने पर भी हैं, घर लाने पर देखो भूतल में घट है, भूतल में घट है, समझे कि नहीं? तो उसमें जो है भूतल है कि नहीं, घटाभाव भी है कि नहीं, होना चाहिए कि घटाभाव को नित्य मानते हो ओके कि नहीं? उसमें प्रतीति होनी चाहिए, कौन सी प्रतीति होनी चाहिए? घटाभाव भूतलम, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। क्योंकि प्रतीति कहाँ होती है? नहीं होती है, ये दोष हुआ कि नहीं हुआ? तो है ना, वैशिष्ट संबंध मानने पर जैसा दोष हुआ, स्वरूप संबंध मानने पर भी ऐसा दोष हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना? तब तो इसका उत्तर दिया जा रहा, देख लो है अंतिम में था ना, अंतिम वक्त देख लो, एवं च क्या है बोलिए? एवं च, अरे भाई समवाय के निरूपण में अंतिम में इथम च की एवं च है, इथम च है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोलिए इथम च। तत्तत्कालीनम तत्त भूतलादिकम एव तत्त अभावानाम संबंध, ये देखो कोई भी स्वरूप संबंध नहीं कहना है, क्या समझा? अभाव का जो संबंध होता है अधिकरण में, कोई भी संबंध को स्वरूप संबंध नहीं कहा जाएगा, कोई भी स्वरूप को स्वरूप संबंध नहीं कहा जाएगा, किसका? अभाव का, है ना? अभाव का जो संबंध कहते हैं स्वरूप संबंध, कोई भी स्वरूप को स्वरूप संबंध नहीं कहते हैं लोग, कैसे ऐसे कह रहे हैं आपको? देखो कह रहे तत्तत्कालीनम तत्त भूतलादिकम एव तत्त अभावानाम संबंध, इसी का नाम स्वरूप संबंध है। स्वरूप संबंध नित्य नहीं माने, हैं? नित्य नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन किसको स्वरूप संबंध कहेंगे ये यहाँ पर कह रहे हैं, अभाव का संबंध स्वरूप संबंध है, लेकिन स्वरूप संबंध क्या है ये बता रहे। देखो कह रहे कि तत्तत्कालीनम, क्या कह रहे हैं? तत्तत्काल मतलब जिस समय घटाभाव की बुद्धि होती है, कैसे नहीं नहीं सुनो तो पहले पूरी बात सुन लो, जिस समय घटाभाव की बुद्धि होती है, जिस समय पर क्या, जिस समय पर घटाभाव की बुद्धि होती है, ठीक है ना, तत्कालीन अधिकरण को लो, कैसे समझ आया? घटाभाव की बुद्धि होती है ना, और प्रमात्मक प्रतीति होती है, कैसे समझ आया? इसलिए तत्तत्कालीन का अर्थ लीजिए, है ना, अभाव प्रमाकालीनम, क्या लेना है? अभाव प्रमाकालीनम, उसको लीजिए यहाँ पर, मतलब जिस समय आपको बुद्धि होती है घटाभावत भूतलम, क्या है? घटाभावत भूतलम, ऐसी जो प्रमा होती है, तत्कालीन अधिकरण को लीजिए, भूतल को लीजिए, आगे समझ में? जिसमें सुनो, जिसमें घट है उसमें घटाभाव है, क्या कह रहे हैं? घटाभाव कहाँ चला गया? नित्य कहते हो ना आप, लो
घट के अत्यंत अभाव को नित्य नहीं मानते हैं क्या? न्याय सिद्धांत में अभाव को क्या मानते हैं? लो फिर अत्यंत भाव को नित्य मानते नहीं लो, जिसमें घट है तो घटाभाव है कि नहीं उस समय? क्या कह रहे है कि नहीं है? लेकिन प्रतीति होती है नहीं होती है? जिसमें प्रतीति होती है, समझ में क्या है? जिसमें प्रतीति होती है, घट हटा दिया तो कैसी प्रतीति होती है? हाँ होती कि नहीं है ना? तत्कालीन अधिकरण को लीजिए, कैसे माया सुनते हैं ना? ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या समझना है? तत्कालीन का अर्थ क्या है? घटाभावत भूतलम इति प्रमाकालीनम, ऐसा अर्थ लेना है। लिखो रखो वहाँ पर, है ना? तत्कालीनम का अर्थ क्या लेंगे? घटाभावत भूतलम इति प्रमाकालीनम, ऐसा ले लो। ठीक है, क्या लेंगे? हाँ, कैसी प्रमा? घटाभावत भूतलम, ऐसी जो प्रमा हो रही है जिस समय पर, है ना? तत्कालीन भूतल को लो, ऐसा समझ में इतना आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बोलते हैं? तत्त भूतलाधिकम, क्या तत्त भूतलाधिकम लेना है? तत्त भूतलाधिकम मतलब क्या है? जिस भूतल में, हाँ जिस जिस भूतल में घटाभाव की बुद्धि होती है उसी भूतल को लो, सुनते कि नहीं? जिस समय देखो घटाभाव की बुद्धि हो रही है, घटाभाव की बुद्धि हो रही है, ठीक है, तो घटाभाव की जो बुद्धि हो रही है इसमें यही भूतल के और भी कहीं भूतल है, और बहुत सारे भूतल है कि नहीं है? वहां पर भी घटाभाव है कि नहीं? हाँ कि नहीं? क्या कह रहे है ना? घटाभाव तो बहुत जगह पर है, घटाभाव भी बहुत जगह पर है, भूतल भी बहुत जगह बहुत है, घटाभाव भी बहुत है और भूतल भी बहुत है कि नहीं? ठीक है, हाँ इसलिए क्या करना है ना? जिस भूतल में घटाभाव की बुद्धि हो रही है उसी भूतल को यहाँ पर लेना है, आगे समझ में? और क्या है, बहुत ये बुद्धिमान है लोग। इसलिए तत्त भूतलाधिकम, तत्त भूतलाधिकम अर्थ क्या है? जिस भूतल में घटाभाव की बुद्धि हो रही है उसी भूतल को लो, ठीक है रामेश्वर? हैं, अच्छा और क्या? हाँ और क्या? हाँ और क्या कह रहे देखो, हाँ जैसे इस भूतल में, हाँ इस भूतल में देखो घटाभावत भूतलम बुद्धि हो रही है ना, इस भूतल में पट का भी अभाव है, हाँ कि नहीं? हाँ कितना अभाव है? बहुत अभाव है। हाँ इसलिए इस भूतल के जो संबंध है ना, किस अभाव का होगा? सभी अभाव का नहीं यहाँ पर, हैं? हाँ मतलब जिस अभाव की प्रतीति हो रही है उस अभाव का संबंध यहाँ पर है, ऐसे में इसलिए आगे क्या लिखा है? तत्त अभावाराम, मतलब जिस अभाव की बुद्धि हो रही है, तत्त अभाव का नाम कर क्या है? जिस अभाव की बुद्धि हो रही है उस अभाव को, उस अभाव का तत्त अभावाराम, समझ में ना? संबंध, इस अभाव का संबंध कौन हुआ? भूतल, इसी को कहते हैं स्वरूप संबंध, आ गया कि नहीं? हाँ मतलब कोई भी स्वरूप मात्र को स्वरूप संबंध नहीं कहा जाता है, क्या समझ? कोई भी स्वरूप को स्वरूप संबंध नहीं कहा जाएगा, हो गया? हाँ इसलिए कोई भी स्वरूप को, कोई भी स्वरूप विशेष को यदि, कोई भी स्वरूप को यदि स्वरूप संबंध कहेंगे
तो तब ना दोष आएगा। हाँ, जिसमें भूतल में घट है उसमें घटाभाव की प्रतीति होनी चाहिए, ये शंका थी कि नहीं सही? अब शंका बनेगी नहीं बनेगी, क्यों? संबंध नहीं हुआ ना। क्या? जिस समय घट है, जिस समय घट है उसमें घटाभाव है कि नहीं है? घटाभाव है कि नहीं? घटाभाव होने पर भी भूतल भी है, घटाभाव भी और भूतल भी है, तो घटाभाव की बुद्धि क्यों नहीं होती है? क्या अर्थ हुआ? उसका संबंध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? किसका संबंध? हाँ, अभी हाँ, अभाव, अभाव के अभाव का संबंध यहाँ पर नहीं है, स्वरूप संबंध नहीं है। हाँ, तो स्वरूप संबंध क्या हुआ? तत्तत्कालीनम तत्तत् भूतलादिकम तत्तत् अभावानम संबंध स्वरूप संबंध, तो एव लगा दिया ना, भूतलादिकम एव संबंध कस्य तत्तत् अभावानम। तत्तत् अभाव करने से क्या हुआ? जिस अभाव की प्रतीति हो रही है उसी अभाव को लीजिए यहाँ पर, सभी अभाव ने हुआ ठीक है समझे? हाँ, ऐसा बोलते हैं, इसी का नाम स्वरूप संबंध होता है ना? हाँ, ये मानते हैं। ये कौन मानते हैं मालूम है? नैया के लोग। नैया के लोग अभाव का संबंध क्या है? स्वरूप संबंध। ये प्राचीन नैया के लोग मानते हैं। क्या वैशिष्ट संबंध मानते हैं? नब्बे नए लोग। हाँ, नब्बे नैया के लोग जो है ना, वैशिष्ट संबंध पदार्थांतर है, सात पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थ है। ये किसके अनुसार? नव्य न्याय के अनुसार। नव्य न्याय के अंदर बहुत पदार्थ है आप समझ रहे कि इतना पदार्थ नहीं है। नव्य न्याय लोग वैशिष्ट्य को पदार्थांतर मानते हैं। क्या है? स्वरूप संबंध भी नहीं है और सात पदार्थ भी नहीं है, अतिरिक्त पदार्थ है। किसके अनुसार? लेकिन नव्य न्याय के अनुसार वैशिष्ट्य, जी वैशिष्ट पहले कहा ना, क्या वैशिष्ट है ना, वैशिष्ट को नहीं मान रहे थे पहले कौन? प्राचीन नैयायिक। लेकिन नव्य नैयायिक, नव्य नैयायिक वैशिष्ट को मानते हैं, पदार्थांतर मानेंगे, किसी पदार्थ में यहाँ पर अंतर्भुक्त नहीं करते हैं। इसका हेतु भी है क्योंकि प्रतीति हो रही है कि नहीं? कैसी प्रतीति हो रही है? भूतलम घटाभावत। क्या? भूतलम घटाभावत प्रतीति हो रही है। घटाभाव से विशिष्ट कौन हो गया? भूतल। उस संबंध क्या होगा? वैशिष्ट होगा। ये नव्य नैल प्रतीति हो रही है, हाँ, उसको क्यों नहीं मानना है? किसके अनुसार? नव्य न्याय के अनुसार ऐसा मानते हैं। ठीक है, नव्य आप दिन करी पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है विचार। हो गया, समवाय का ये निरूपण हुआ। ठीक है, तो भाव पदार्थ छह हो गए। अब है सातवां पदार्थ कौन? सप्तम पदार्थ हो गया अभाव। अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभाव भेदतः। अभावस्तु द्विधा, अभाव तो दो प्रकार के है, तो दो प्रकार के कैसे हुआ? कहते हैं संसर्ग अन्योन्याभाव भेदतः। हाँ, संसर्ग भाव और अन्योन्याभाव, अभाव को अन्य दोनों में कर दो, संसर्ग भाव और अनन्य भाव। ठीक है, हाँ, क्योंकि द्वंद समास है ना, संसर्गश्च अनन्य अनन्य अनन्यश्च इति संसर्गान्य, लेकिन तयोर अभाव हो गया ना, इसलिए संसर्ग अनन्य भाव हो जाएगा ना, इसलिए दंदांते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते, है ना, ये नियम होता है। फिर अभाव कौन है? दोनों में होगा, संसर्ग के साथ भी होगा, अनन्य साथ भी होगा, संसर्ग अभाव और अन्य भाव। हो गया, ठीक है।
अच्छा ये होता है। और जो है अब लक्षण तो मुक्तावली देखो, अभावम विभजते, और अभाव का लक्षण करते ना प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान अभिषेकतम, ये लक्षण करते हैं प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान अभिषेकतम, ये भी लक्षण होता है। और यहाँ पर भी लक्षण बताएंगे, यहाँ पर भी लक्षण बता रहे हैं देखो। अच्छा भाई, अभावम विभजते अभावस्तु इति, और अभावत्तम देखो लक्षण है ये, कहते हैं कि संसर्ग अभाव वर्णन में आगे व्याख्यान आएगा। अभावत्तम का पहले लक्षण है सामान्य लक्षण, तो द्रव्यादि षटका अन्य भाववत्तम है। देखो द्रव्यादि षटक, द्रव्यादि छे उसका अन्य भाव, अन्य भाव क्या जानते हैं? अन्य भाव क्या है? अन्य भाव किसको बोलते हैं? भेद को बोलते हैं। किसको कहते हैं? अन्य भाव, ठीक है ना। हाँ, द्रव्यादि षट का अन्य भाव, द्रव्यादि छः का अन्य भाव कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? किस में रहेगा? अभाव में रहेगा। द्रव्यादि षट का कह दिया ना, द्रव्यादि छः उसका अन्य भाव कहाँ रहेगा? अभाव में रहेगा, चारों में रहेगा। मतलब ये अन्य भाववत कितना है? चार है। हाँ, चारों में जाएगा। चार में तो कौन कौन? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंत भाव, चारों में जाएगा, जाएगा ठीक है। तो अन्य भाववत्तम चारों में घट जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा मानते हैं। अच्छा, तो अन्य भाव का प्रतियोगी कौन होगा? द्रव्यादि छः का अन्य भाव बोल रहा है ना, तो अन्य भाव का प्रतियोगी बताइए। प्रतियोगी कौन हुआ? द्रव्यादि षट, द्रव्यादि षट का, षट षट का कहो तो षट का, षट कहो एक ही बात है। हाँ, प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? हाँ हाँ, प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? द्रव्यादि षट का में, षट का में प्रतियोगिता का अवच्छेद क्या होगा? द्रव्यादि षट को, द्रव्यत्व नहीं होगा, द्रव्यत्व गुणत्व आदि नहीं होगा। बोलिए, हाँ कि नहीं? क्या द्रव्यत्व नहीं होगा? नहीं होगा द्रव्य, क्योंकि अनुगम नहीं है ना सर्वत्र। जो सर्वत्र अनुगम हो तब तो अवच्छेदक होगा, ऐसा में है ना, है ना। हाँ ऐसा है, ठीक है। इसलिए समवाय कारणता का अवच्छेदक धर्म क्या होता है? पृथ्वी तो होगा, द्रव्यनिष्ठ, द्रव्यनिष्ठ कारणता अवच्छेदक द्रव्यत्व तो होगा कि पृथ्वी तो होगा? द्रव्य तो पृथ्वी तो नहीं होता, केवल पृथ्वी तो केवल पृथ्वी में रहेगा, पूरे द्रव्य में तो रहेगा नहीं, ऐसा में ना। ठीक इसी प्रकार से द्रव्यत्व तो यहाँ पर प्रतियोगी है द्रव्यादि षटक, प्रतियोगिता द्रव्यादि षटक निष्ठा नहीं, प्रतियोगिता अवच्छेदकम द्रव्य तो होगा नहीं होगा। हाँ मतलब षट है ना, षट तो ले लो, क्या लेंगे? षट तो संख्या क्या होगी? षट तो संख्या, संख्या संख्या। हाँ द्रव्यादि छः है ना, उसमें क्या रहेगी? षट तो, षट तो मतलब संख्या है। द्रव्यादि छः में कौन सी संख्या रहेगी? संख्या बोले, संख्या षट, षट षट तो संख्या। ये संख्या ही प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा, ठीक है ना। जैसे द्वि प्रतियोगी का भेद, द्वि प्रतियोगी का भेद का अवच्छेदक क्या होगा? बोले द्वित्व होगा, द्वित्व क्या होगा? द्वित्व संख्या होती है, समझ में आ गया कि नहीं, है ना। दो है ना, दो है
दो पदार्थ है, तन्निष्ठा प्रतियोगिता अवच्छेद क्या होगा? द्वित्व संख्या होती है। क्या होती है? ठीक इसी प्रकार से है ना कि द्रव्यादि षट्कोनिष्ठ प्रतियोगिता अवच्छेदक षट्तो संख्या होती है, ऐसा समझ ना, ऐसा समझ कर रख लो। अतः भाव भिन्नत्वम ऐसा भी लक्षण करते हैं, किसका लक्षण? अभाव का। क्या करेंगे? भाव भिन्नत्वम, भाव भिन्नत्वम कर दो। और अभी जो कहा था द्रव्यादि षट्को अन्य भाववत्तम है ना, भाव भिन्नत्वम कितने में जाएगा? अभाव में जाएगा, पूरे अभाव में जाएगा, हाँ चार अभाव में जाएगा, भाव भाव आदि चारों में चला जाएगा। जाएगा भाई, हाँ जाएगा। ठीक है, देख लो क्या बोलते हैं। संसर्ग इति, संसर्ग भाव अन्य भाव भेदात इति। हाँ क्यों ऐसा कहा मालूम है? ऐसा क्यों कहा? इधर देखो, द्रव्यादि षट्को अन्य भाववत्तम कहा ना, हैं? तो ये तो अभाव में जाएगा, कहाँ जाएगा? अन्य भाव में तो जाएगा, लेकिन संसर्ग में जाएगा। क्या कह रहे हैं? संसर्ग का अर्थ ही संसर्ग केवल कहोगे, संसर्ग भाव नहीं कहोगे। हम क्या कह रहे समझ में आ रहा है? देखो मूल में क्या कहा, अभाव वस्तु विधा बोलो, संसर्ग अन्य भाव भेद है कि नहीं? इसका अर्थ यदि करोगे संसर्ग और अन्य भाव, ऐसा अर्थ करेंगे हैं। लक्षण आपने क्या क्या अभाव का बोलो? द्रव्यादि षट्क अन्य भाववत्तम है, तो ये तो कहाँ जाएगा? अभाव में जाएगा, अन्य भाव में तो जाएगा, लेकिन संसर्ग में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? संसर्ग तो अभाव ही नहीं है। उद्रवादी षट्को में आ गया हो, संसर्ग मतलब संबंध होता है, आगे कि नहीं आएगा है ना। इसलिए यहाँ पर अर्थ किया है कि अभाव का अन्वय दोनों में करना है, अभाव का अन्वय दोनों में करना है। ठीक है, इसलिए बोला संसर्ग भाव अन्य भाव भेदाद, ये मूल का अर्थ हुआ, श्लोक का अर्थ यही करना चाहिए, हो गया है? नहीं तो क्या क्या दोष होगा बोलो? नहीं नहीं, लक्षण में क्या दोष आएगा इतना बताइए। अतिव्याप्ति कैसे? अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष होगा, अतिव्याप्ति नहीं। अव्याप्ति कह रहे हैं ना, हाँ वो ठीक है, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा और देखो भाई, अन्य भावस्य एक विधत्वात्, देखो अन्य भाव तो एक प्रकार का होता है। अन्य भाव किसको बोलते हैं मालूम है? भेद को बोलते हैं अन्य भाव। वो कितने प्रकार का है? वो तो एक ही प्रकार का है कि नहीं? इसलिए तद विभाग अभावात, उसका विभाग तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन संसर्ग भाव का विभाग होता है। किसका? संसर्ग भाव का विभाग होता है, इसलिए श्लोक में दिया देखो, राग भावस्तथा ध्वंसो प्यत्यंता भाव एव च, बोलिए राग भाव हाँ देखिए कहते प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव और अत्यंत भाव, ये तीनों को क्या बोलते हैं? संसर्ग भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संसर्ग भाव कहते हैं, है ना? हाँ अच्छा, और संसर्ग भाव क्या है? देखो यहाँ पर लिखे हैं हाँ? तो एक संसर्गाख्य अभाव होता है और एक अन्य भाव होता है, सुनते ना, एक संसर्ग भाव होता है एक अन्य भाव होता है हाँ? तो संसर्ग भाव जो होता है हाँ, उसको कहते हैं, ये देख लो संसर्ग भावत्तम अन्य भाव भिन्न भावत्तम हाँ, पहले तो भेद कर दिया, अन्य भाव भिन्न अभावत्तम, देखो
अन्यना भाव से भिन्ना क्या है? हाँ, अन्यना भाव से भिन्न कौन है? अन्यना भाव से भिन्न कौन होगा? छह पदार्थ हो जाएंगे, नहीं होंगे, भाव हो जाएगा। हाँ, लेकिन कहते अभाव लेना है, क्या लेना है? संसर्ग भावत्म मतलब अन्यना भाव भिन्न। अन्यना भाव से भिन्न कितने हैं? अन्यना भाव से भिन्न कौन कौन है? हाँ, और संसर्ग भाव भी होगा कि नहीं? तो क्या दोष होगा? हाँ, अतिव्याप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? हो जाएगी। हाँ, इसलिए क्या करना है, अभाव को भी लीजिए, अन्यना भाव भिन्न अभाव ऐसा लेना है, तो कौन होगा? संसर्ग भाव हो जाएगा, है कि नहीं? ये बोलते हैं यहाँ पर। वो तीनों को कहते हैं प्राग भाव, प्रधंसा भाव और क्या है, अत्यंत भाव, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना? ऐसा होता है। संसार का मतलब ये लेना पड़ता है, वृत्ति नियामक संबंध को बोलते हैं, क्या है? वृत्ति नियामक संबंध को कहते हैं संसर्ग। क्या है? वृत्ति नियामक मतलब आधेयता को कहते हैं वृत्ति, आधेयता नियामक संबंध को कहते हैं, है ना? मतलब ये न संबंध न आधेय पदार्थ स्वाधारे वर्तते, स संबंधो वृत्ति नियामक, ऐसा बोलते हैं, नहीं है वहां पर लिख लो। ये न संबंध न आधेय पदार्थ स्वाधारे वर्तते, स संबंधो वृत्ति नियामक, ये न संबंध न आधेय पदार्थ स्वाधारे वर्तते, स संबंधो वृत्ति नियामक। ठीक है, ये पारिभाषिक है, ये है ना, वृत्ति नियामक, वृत्ति नियामक संबंध, सबंध वृत्ति नियामक संबंध, ठीक है, इसे संयोग है, समवाय है, इसको लिया जाता है, ठीक है। चलो, तो अनन्या भावत्तम, अनन्या भाव क्या है देख लो, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्तम, क्या है बोलो? संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्तम, है ना? हाँ, तर्क संग्रह आया कि नहीं? तर्क समय है ना, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, प्रतियोगिता का अभाव, ऐसा आया, ऐसा यहाँ पर भी दिया है, यही लक्षण वहाँ पर है, तर्क संग्रह यही लक्षण ही वहाँ पर है, यही लक्षण है, नहीं? हाँ, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, है ना? हाँ, जैसे मान लो, जैसे घटा पटो ना, घटा पटो ना, है तो घटा पटो ना, दोनों प्रथमांत है, दोनों प्रथमांत है ना, तो एक विभक्ति समान विभक्ति में यदि हो तो नए अन्य भाव का वाचक होता है, किसका वाचक होगा? हाँ, अन्य भाव का होगा, समझ में आया? क्या है? घटा पटो ना, ये कौन सा भाव हुआ? अनन्य, घटा पटो ना, है ना श्यामदे? हाँ जी गुरु जी, हाँ हाँ, देखो विभक्त्यंत, हाँ पद मध्य नया बताया था आपने, ठीक है, अन्य भाव, ठीक है, घटा पटो नास्ते, ये कौन सा भाव है? अरे घटा पटो ना, ये भी अन्य भाव, ये भी, अरे भूतले घटो ना, भूतले घटो ना, ये अत्यंत भाव, हाँ अत्यंत, दोनों भाव अलग अलग, अरे भूतले घटो नास्ति, भूतले घटो नास्ति, ये भी,
अत्यंत अभाव होता है, ठीक है, चाहे अस्थि बोलो या ना बोलो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो तादात्म्य संबंध है, घटा पटो न कहो तथा अथवा घटा पटो नास्तिक कहो, है तो अनन्य भाव है, ठीक है। तो प्रतियोगी कौन होगा, पट कि नहीं? हाँ, प्रतियोगिता पटनिष्ठा, प्रतियोगिता का आवश्यक संबंध क्या होगा, संबंध तादात्म्य होता है, लेकिन तादात्म्य ना है ना, तादात्म्य संबंध से पट पट में रहता है मानते हैं, पट में मिलेगा नहीं, घट में, घट में, घट में पट का नहीं मिलेगा, ये तादात्म्य ना अभाव मिलेगा उसका, है कि नहीं, सुनते हैं ना, पट पट में क्या रहे, किस समझ से रहेगा, घट में रहेगा नहीं रहेगा, किस समझ से नहीं रहा, तादात्म्य समझ से नहीं रहा, वो हो जाएगा क्या, अवच्छेदक समान हो जाएगा प्रतियोगिता का, किस संबंध से ले रहे हैं आप, तादात्म्य संबंध से, इसलिए प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध क्या होगा, तादात्म्य, ये तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता कहाँ रही, पट में रही। तादात्म्य, अरे क्या हो रहा है, कहाँ हो तुम, बाजार में हो, तो तादात्म्य, हाँ ये रामेश्वर होगा, तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कहाँ रही रही, बोलो, पट में रही है, प्रतियोगिता का निरूपक कौन होगा, अभाव होगा, होगा ना, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कौन, कहाँ संबंध है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कौन, प्रतियोगिता, ये तादात्म्य तादात्म्य संबंधे न अवच्छिन्न, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, क्या समझ हुआ, तृतीय तत्पुरुष इसमें क्यों, तादात्म्य संबंधे न अवच्छिन्न, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, फिर क्या करेंगे, तादात्म्य संबंधे न तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्या, तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न कौन, बोलिए पहले आप, प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता किसकी है, भेद की होती है ना, भेद तो अनुयोगी ना है, अभाव है ना, है ना, तो उसमें अनुयोगिता रहेगी, है कि नहीं, भेद हो तो उसको प्रतियोगी कहेंगे ना, किसको, पट को, पट का अभाव हो तो पट प्रतियोगी होगा, जैसे अभाव वैसे प्रतियोगी, कि नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता का निरूपक कौन होगा, अभाव हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, ये तादात्म्य संबंध, देखो विग्रह क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास होगा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य सह, क्या होगा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क, बहुव्रीहि समास हुआ, शेषाद विभाषा, एक सूत्र है बहुव्रीहि समास के लघु में है, सबसे अंत में सूत्र है, शेषाद विभाषा क प्रत्यय होता है, स्वार्थ में क प्रत्यय होगा बहुव्रीहि समास में, विकल्प से होता है ना, विकल्प से हो जाएगा, है ना, जैसे अविद्यमान पुत्र यस्य, अपुत्र भी होता है, अपुत्र क भी होता है, आ गया, तो यहाँ पर क्या दिया है, क दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ पर दिया है, देखो लिखा है प्रतियोगिता क अभाव, है ना, क नहीं देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क देने से और अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, हो गया, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावत्वम, ये अनन्य भाव का लक्षण है, ठीक है भाई, और संसार का भाव कितना है, तीन है, और संसार का भाव का क्या लक्षण हुआ, भिन्न भावत्व, हाँ अभाव भी जोड़ना पड़ेगा, है ना, अन्य भाव भिन्न भावत्व,
ठीक है। और उसका भेद कितने हैं, तीन। पहला क्या है, प्रागभाव। तो विनाशी अभावत्तम प्रागभावत्तम, तो जानते हो जो अभाव विनाशी हो, जो अभाव विनाशी हो, ठीक है। हाँ ऐसा है, केवल विनाशी कहेंगे तो कितना रहेगा, अभावत्तम, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। नहीं केवल विनाशी कहेंगे तो, केवल विनाशी कहेंगे तो कहाँ जाएगा, घटपटादि में जाएगा। केवल विनाशी कहेंगे तो घटपटादि में भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। और केवल अभावत्तम कहेंगे तो तब भी अतिव्याप्ति कहाँ पर, अन्य में, अन्य में जाएगा, ठीक है। विनाशी अभावत्तम प्रागभावत्तम है कि नहीं। तर्क संग्रह में क्या लक्षण दिया है, तर्क संग्रह में क्या दिया है, अनादि ही, अनादि ही शांत है, ऐसा दिया प्राग, वो भी अच्छा है। अनादि शांत है, ठीक है। और यहाँ पर दिया विनाशी अभावत्तम। अब प्रधंसा भाव, प्रधंसा भाव का विनाश होता है क्या, नहीं होता है। अत्यंत अभाव का नहीं होता है, वो नित्य है। अन्य भाव का भी नहीं होता है। विनाशी अभाव कितने हैं, एक ही रहेगा, प्रागभाव ही विनाशी अभाव होता है, ठीक है। कब विनाश होता है प्रागभाव का, घट जब बन जाएगा, जब कार्य उत्पत्ति हो जाएगी, हाँ उत्पत्ति हो जाएगी तो प्रागभाव नहीं रहेगा। शांत के बदले यहाँ पर कह दिया विनाशी, ठीक है। हाँ और ध्वंस क्या होता है, जन्याभावत्तम ध्वंसत्तम है। हाँ जो अभाव क्या हो, जन्य हो, प्रागभाव जन्य है, क्यों नहीं है, वो तो अनादि है। अत्यंत अभाव नहीं, अन्य अभाव भी नहीं, क्या जन्य अभाव कौन होगा, केवल प्रध्वंसाभाव ही होता है, ठीक है ना। हाँ तर्क संग्रह में क्या लक्षण है, साधिर अनंत, साधिर अनंत अभाव, ऐसा दिया है, ठीक है भाई। आ नित्य संसर्ग भावत्तम अत्यंत भावत्तम, ये देखो अत्यंत भाव का यहाँ पर क्या लक्षण कर रहे हैं। नित्य संसर्ग भावत्तम, संसर्ग भाव जो नित्य संसर्ग भाव हो, संसर्ग भाव कितने होते हैं, तीन। हाँ नित्य कह दिया तो एक ही होगा, अत्यंत भाव ही होगा, एक ही, ये सरल लक्षण दिया है। है कि नहीं। और वहाँ पर क्या लक्षण दिया है, त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतिगीता का भावत्म, ऐसा दिया है ना, है ना। वहाँ पर त्रिकालिक, त्रिकालिक का अर्थ क्या है, नित्य है, त्रिकालिक का अर्थ नित्य है ना, ऐसा है, हो गया ना। इतना भी रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।